अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आपके लिए एक 10 मरला का ब्रांड न्यू स्पेनिश बना हुआ घर लेके आए हैं। ये सेंट्रल पार्क के अंदर मौजूद है। इसके सामने आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल सामने आपको खुले रोड्स मिलते हैं, गैस यहाँ पे अवेलेबल है, और सामने इस साइड पे भी आपको रोड मिलता है, इस साइड पे भी रोड मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएँ तो वहाँ पर आपको पार्क मिलता है। अभी हम चलते हैं घर की तरफ। ब्रांड न्यू घर है, बहुत प्यारा बनाया गया। अभी ये हम इसका मेन गेट से एंटर हो रहे हैं। यहाँ पर आपको सारा कार पोर्च मिलता है। यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया गया है, और इसकी साइड पे आपको एक गली मिलती है जो कि एल शेप में है, पीछे भी है। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा एरिया मिलता है, उसके अलावा यहाँ पे विंडो, और ये इसकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ से अभी चलते हैं हम। ये इसका ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम के अंदर आप देख सकते हैं बहुत प्यारा काम किया गया है। ये एक वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, और ये टीवी लाउंज। अभी मैं दोबारा बाहर चलता हूँ और मेन गेट से आपको दिखाता हूँ। ये दोबारा हम कार पोर्च में आए। ये इसका मेन गेट। मेन गेट के ऊपर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, बहुत अच्छा एक लकड़ी का इस्तेमाल करके डोर बनाया गया है। यहाँ पे आपको एक बहुत प्यारा टाइल का इस्तेमाल मिलता है, और यहीं से एक सेपरेट एंट्रेंस है जो कि बाहर गली को भी निकलता है और ऊपर भी आपको दूसरे पहले फ्लोर पर मिलता है। यहाँ से आप अंदर आते हैं तो आपको एक अच्छा टाइल वर्क नज़र आता है। ये आपको टीवी लाउंज नज़र आता है जो कि पहले हमने ड्राइंग रूम में से देखा था। यहाँ पे एलईडी की जगह आएगी, और सारा बॉक्स बनाया गया। यहाँ पे आप वॉल लैंप देख सकते हैं, अच्छे फानूस का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पे अब हम आपको किचन दिखाते हैं। किचन में एक बड़ी अच्छी टाइल का इस्तेमाल किया गया, और ये काम हुआ है किचन में, एक अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। और ये सामने साथ जो गली है उधर निकलता है, इसके अंदर आपको वुड मिलता है, हर चीज़ ओके, बिल्कुल रेडी है एक फैमिली के शिफ्ट होने के लिए। ये इसका पहला बेड है, ये पहला बेड है। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग का इस्तेमाल किया गया, और साथ ही इसके अंदर आपको कैबिनेट्स वगैरह मिल जाते हैं। अभी मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। वॉशरूम के अंदर एक अच्छी टाइल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे फ्लश ही है, मोल्ड नहीं है, और इस तरह की फॉल सीलिंग ये आपको इस तरह का मिल जाता है। उसके बाद ये दूसरा बेड, यहाँ पे भी अच्छी फॉल सीलिंग, अच्छा वॉलपेपर का इस्तेमाल, और यहाँ पे आपको 6 कैबिनेट्स मिलती हैं और वॉशरूम। यहाँ पे अच्छी टाइल का इस्तेमाल, यहाँ पे कमोड है और बाकी वैनिटी वगैरह, और ये सारी चीज़ है। अभी हम दूसरे बेड से बाहर जा रहे हैं, दोबारा हम टीवी लाउंज में पहुँच गए। यहाँ से अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी सिस्टम की भी सारी फैसिलिटी मिलती है। ये हमने स्टार्ट में देखा था, ये बाहर गली को भी निकलता है, और यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। एक अच्छे मार्बल का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर अच्छा वॉलपेपर इस्तेमाल किया गया, और बाहर विंडो। ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये आपको डोर मिलता है, यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको फ्रंट पहले दिखाया था, ये आपको बाहर से फ्रंट मिलता है। अच्छा, यहाँ पे आपको बाहर का जो व्यू है वो इस तरह का मिलता है, ये आप देख सकते हैं। वो सामने आप देख रहे हैं, वो सामने आपको पार्क मिलता है। एक 20 सेकेंड्स के डिस्टेंस पर यहाँ पर पार्क है, और इसकी साइड पर ये आपको गली मिलती है। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे आपको दूसरे रूम्स वगैरह दिखा देते हैं। ये आपको टीवी लाउंज मिलता है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और ये आपको मिलता है यहाँ पे फानूस, और बाकी यहाँ पे फॉल सीलिंग। ये एरिया एलईडी का, और ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर किचन, एक अच्छा इस्तेमाल किया गया किचन के अंदर भी, और अच्छी कैबिनेट्स का इस्तेमाल किया गया। यहीं से दरवाज़ा बाहर जो गली है उधर भी निकलता है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर दो बड़े बेड हैं और एक छोटा बेड है। ये भी बेड के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे भी अच्छी फॉल सीलिंग का इस्तेमाल, तकरीबन 8 कैबिनेट्स हैं यहाँ पे। अच्छे वॉलपेपर का इस्तेमाल, वॉल लैंप्स वगैरह मिलते हैं, और आपको वॉशरूम मिलता है। यहाँ पर अच्छी टाइल का इस्तेमाल किया गया, फॉल सीलिंग देख सकते हैं। यहाँ पर कमोड आपको मिलता है, वैनिटी मिलती है। घर को बहुत A+ क्वालिटी के अंदर तैयार किया गया। अक्सर मैंने घर देखे हैं, वो
उनकी फिनिशिंग के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैक होता है, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर बनाया गया है। ये इसका पहला बड़ा बेड है। ये यहाँ पे आपको वॉलपेपर का इस्तेमाल मिलता है। ऊपर आपको सारी फॉल सीलिंग, फैन और तकरीबन 4 यहाँ पे कपबोर्ड मिलते हैं। ये आ गया यहाँ पे वॉशरूम, यहाँ पे भी फ्लश दिया गया है और आपको यहाँ पे बेसिन मिलता है। बाकी इस तरह का आपको वॉशरूम मिलता है। ये दोबारा से हम बाहर निकल आए टीवी लाउंज पे। ये यहाँ पे दूसरा बेड है, यहाँ पे भी आपको एक अच्छी टाइप का इस्तेमाल, ऊपर फॉल सीलिंग, तकरीबन 4 कैबिनेट्स और आपको वॉलपेपर का इस्तेमाल मिलता है। और यहाँ पे अच्छी ग्रे टाइल का इस्तेमाल किया गया है। कमोड मिलते हैं, फॉल सीलिंग मिलती है, हर चीज़ कंप्लीट है। कोई भी यहाँ पे ऐसा मुझे कॉर्नर नज़र नहीं आया, कोई भी ऐसा एरिया नज़र नहीं आया जहाँ पे कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट हो। अभी हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर देख रहे थे, अभी हम जा रहे हैं दूसरे फ्लोर की तरफ। ऊपर आप जैसे पहुँचते हैं तो आपको एक सर्वेंट रूम मिलता है। यहाँ पे भी अच्छी टाइल का इस्तेमाल किया गया, फॉल सीलिंग की गई है और यहाँ पे आपको इस तरह का वॉशरूम मिलता है। यहाँ पे मैं आपको इनकी छत भी दिखा देता हूँ। ये है जी यहाँ की छत, काफ़ी खुली छत है। बाहर का एरिया कुछ इस तरह का है, इसकी सराउंडिंग आपको इस तरह की मिलती है। ऊपर आपको टंकी मिलती है, तो बाकी यहाँ पे सारी आपको गली मिलती है। हम इनके गैराज के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर आपको प्राइस शो हो रही होगी जो यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। तो ये दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, सेंट्रल पार्क के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम के तकरीबन 4 से 5 कैमरास लगे हुए हैं और एक अच्छी लोकेशन पे है। यहाँ पे आपको तकरीबन 40 फुट वाइड रोड मिलता है और इस घर के बिल्कुल सामने आपको मेन रोड मिलता है और बाकी एक मेन रोड आपको इस तरह मिलता है और सामने आपको पार्क मिलता है। तो ये थी जी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।